सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर बार किस्मत को कसूर देना अच्छी बात नहीं, कभी कभी हम उन्हें मांग लेते हैं जो किसी और के होते हैं। खुद को अपनी नजरों से गिराना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें ना समझे तो उन्हें समझना छोड़ दो। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कुराहट छीन ले। आज का पंचांग 17 अप्रैल 2021 दिन शनिवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 8:32 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृग शीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 2:34 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:17 से 10:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर दोपहर 1:09 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। मेष राशि 17 अप्रैल 2021 दिन शनिवार, ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कह रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम अपनी जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वो सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ना लें। आपका संतुलित तथा सकारात्मक व्यवहार आपको किसी भी शुभ अशुभ स्थिति में उचित सामंजस्य बनाकर रखने में मदद करेगा। स्थान परिवर्तन संबंधित योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए समय अनुकूल है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन और निराशा महसूस होगी। आपके कामों में छोटी छोटी कई बाधाएं आएगी जिसकी वजह से काम से संबंधित उत्साह भी कम नजर आएगा। आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम को टालें, साथ ही लोगों के साथ संवाद भी कम से कम रखने की कोशिश करें। काम की जगह होने वाले राजकारण से दूर ही रहें। पार्टनर द्वारा भूतकाल से संबंधित बातों का फिर से एक बार जिक्र होने के कारण मानसिक तकलीफ हो सकती है। शरीर की आप जांच करवाएं अच्छा रहेगा। आईटी अधिकारियों के लिए शांति व धीरज के साथ काम करने का भी समय है। सामान के सरकारी सप्लायरों के लिए समय कठिन सिद्ध हो सकता है। अपनी मानसिक अवस्था गड़बड़ाने ना दें। सावधानियां, इस समय अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें। किसी भी गलत बात पर गुस्से की बजाय सूझबूझ से काम ले, अन्यथा परिस्थितियां बिगड़ सकती है। रुपए पैसे संबंधित लेन देन को स्थगित रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। घर की व्यवस्था को उचित तथा डिसिप्लिन बनाकर रखना आपका दायित्व है। आज जो अकेले हैं उनकी किस्मत उनका काफी साथ देगी। आपको अपना साथी आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित ग्रहों पर मिल सकता है। जो पहले से किसी के साथ संबंध में है उसे कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसी चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए समानता उन्हें समय नहीं मिल पाता और जो उनके मनपसंद काम है। कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ की कीमत अलग रहकर समझ आती है। बात करते हैं करियर की। आप अपने परिवार के हित और अपने व्यवसायिक हित के बीच अपने आप को फंसा हुआ पाएंगी। अपने पार्टनर के कल्याण को चुनें और थोड़ी देर के लिए अन्य बातों को बस्ते में डाल दें। आपका वित्तीय भाग्य बहुत मजबूत है। आप आज बोली भी लगा सकते हैं और उनमें जीत की संभावना काफी प्रबल है। इस समय किए गए सभी निवेश आपको भविष्य में अच्छी तरह से लाभान्वित करेंगे। व्यवसाय संबंधित कोई समस्या हल होगी लेकिन निवेश करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है।
स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। ऑफिस में अत्यधिक कार्य की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। यह समय कुछ जबरदस्त शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि करने का है। वजन उठाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप किसी एथलेटिक कार्यक्रम या ट्रेनिंग कार्यक्रम के बारे में शामिल होने के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो निश्चिंत होगा शामिल हो जाएं। आपको अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की अनुभूति होगी। एक्सरसाइज से आपको खुद की भावनाओं को भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी और इसे आप अपने जीवन में किसी संबंध या करियर के बारे में स्पष्ट सोच कर महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी को तेल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।